करें कुछ वेट लॉस के बारे में, तो क्योंकि मेरा अभी वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है। आपका फल्ली और मिक्सर वगैरह मैं बात कर रहा था अपने वेट लॉस के हिसाब से, वेट काफ़ी ज़्यादा, वो डिजिटल में बता देना, पता नहीं क्यों लोग क्या बोले, मुझे फील करवाया कि उन्होंने बताया कि आपका जो वेट है ना काफ़ी ज़्यादा। किसी के पेरेंट्स को अगर शुगर है तो उसके बच्चों को, लड़का या लड़की किसी को भी, मतलब 60-70 साल जीऊँगा उस तरह का मैं ट्राई, कल से वरीड हो कि यार कुछ करना चाहिए वेट लॉस। बोलते यार आप काफ़ी मोटे होते जा रहे हो, आपका पेट बढ़ रहा है, खाते पीते घर का हूँ यार, तो मोटा तो दिखना ही। मैंने एक्सेप्ट किया कि भाई इसके बारे में कुछ करना चाहिए, अपन लाइफस्टाइल का कुछ इसमें सुधारने का है। या बोलते कि यार काफ़ी चलो दिन में 5000 किलोमीटर, सॉरी फीट क्या बोल रहा है यार, मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करेंगे अपन, और डाइट पे पूरा स्ट्रिक्टली, बच्चों के साथ लंबा टाइम तो रहना है भाई, 55 साल 60 साल जितना 70 साल, अपने वेट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। गर्मा गर्म रोटी भी बनाया, अभी जैसे वाइफ ने रोटी बना के और टेस्ट रखा है। गाइस अभी टाइम हो रहा है करीब 7:30 और मैं नहा धो के पूरा तैयार, और चलिए अपन फटाफट सा कुछ खा लेते हैं। और अभी टाइम जैसे हो रहा है 7:30, तो चलिए पहले आज अभी देख रहे थे थोड़ा IPL का पावर प्ले वाला ओवर थोड़ा सा देख लेते हैं, आज किसका मैच है और पहले 6 ओवर में देख लेते थे, क्या मैं उसे बात करता हूँ, क्या पता टावर थोड़ा कुछ देखने के लिए मिली। और उसके बाद अपन बात करेंगे कुछ वेट लॉस के बारे में, तो क्योंकि मेरा अभी वेट काफ़ी ज़्यादा हो गया है एज पर डॉक्टर, और BMI बॉडी मास इंडेक्स वो भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब और तो ये वेट और BMI काफ़ी रिलेट करता है हाइट के हिसाब से, तो मेरा जो हाइट है उसके हिसाब से BMI जो है वो कभी 25 के आसपास रहना चाहिए, बट इट्स 32 हो गया है, तो इसको कम करना है जैसे कि नेक्स्ट जो अपना नेक्स्ट अगले साल इस डेट तक अपन को जैसे भी करके थोड़ा सा लूज करके करना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ आज R&D किया है, रिसर्च किया है, और कुछ कहीं से इंफॉर्मेशन मुझे पता चला तो वो सब आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। अपन चलते हैं, पहले मैं कुछ IPL का कुछ पावर प्ले वाला ओवर देख लेता हूँ, उसके बाद अपन फिर कुछ खाना वाना खा के फिर बात करेंगे अपन वेट लॉस के बारे में। क्या बन रहा है, क्या निकाल रहे हो यार? अच्छा ये बन रहा है गोभी, क्या है कैसे बनेगा ये गोभी की मुर्गी है क्या? अच्छा, और ये अपना मूली खाने वाला आइटम है, ये पनीर मिक्सचर, नारियल, मैं अभी बुर्रा फल्ली नारियल मिक्सचर तो खा लेता हूँ, और उसके साथ साथ थोड़ा टीवी भी देख लेते हैं अपन, टीवी देख देख के खाएंगे, और मैं अभी वो से फिर बात करूँगा पावर प्ले ओवर ख़त्म होने के बाद। खाने रेडी हो गया है, ये अपना मुर्रा है, उसके साथ ये नारियल, और उसके साथ साथ आपका फल्ली और मिक्सचर वगैरह है, मज़ा आ जाएगा खाने में। और उसके साथ साथ ये दूध है, बट इसमें थोड़ा सा आज कम शक्कर अपन लगवाया है, क्योंकि शुगर थोड़ा सा कम करना है अपन को खाने के लिए, तो ये सब मैं खा के फटाफट IPL देख के आप लोगों से बात कर रहा हूँ। हाय गाइस, अभी IPL मतलब फर्स्ट इनिंग ख़त्म हो चुका है, गुजरात वर्सेस हैदराबाद, और काफ़ी ताबड़तोड़ वाला मैच, मज़ा आ गया एक्चुअली देख के, इसलिए मैं एक ही इनिंग्स पूरा देख लिया, उसके बाद आगे सोचा कि ब्लॉग अपना जो है कम्प्लीट कर लेता हूँ। तो मैं बात कर रहा था अपने वेट लॉस के बारे में, और पहले मैं बताता हूँ कि मुझे अपने वेट कितना क्या है, कितना ज़्यादा है क्या है, मुझे फील कब हुआ उसके बारे में पहले बताता हूँ मैं, उसके बाद मैं बताऊँगा मैं कैसे अपने जो वेट है, अपने जो फिजिक्स का जो ग्रोथ है, अनवांटेड जो ग्रोथ है, उसको मैं कैसे नेग्लेक्ट कर रहा था, लोगों के सामने कैसे डिफेंड कर रहा था, वो सब बताता हूँ आपको फिर, और मैंने क्या अपना गोल सेट किया वो आपसे बताता हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, पहले बताता हूँ मुझे कैसे फील हुआ कि यार सही में यार मेरा जो वेट है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, मुझे इसके बारे में कुछ करना चाहिए, कब फील हो बताओ। तो जैसे मेरा कल का जो ब्लॉग है आप लोग अगर देखा है तो वो ब्लॉग जाके देखिए, कल मेरा ना हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मेरा जो 2 साल में जो मेडिकल चेकअप होता है उसमें कल मेरा हेल्थ चेकअप था, तो वहाँ पे क्या अपना सारा टेस्ट होता है, उसके साथ साथ अपना जो वेट भी मेजर किया जाता है, हाइट भी, तो उसके हिसाब से BMI आता है बॉडी मास इंडेक्स, तो वहाँ पर कल जैसे मेजर किए तो मेरा हाइट के हिसाब से वेट काफ़ी ज़्यादा है, ओवरवेट नहीं होता है लेकिन वो हाइट ओवरवेट है जितना रहना चाहिए उससे और 10-15 किलो ज़्यादा है एक्चुअली, वो डिजिटल में बता देना, पता नहीं क्यों लोग क्या बोले हैं बोल के, बट काफ़ी ज़्यादा वेट है, तो इसीलिए मेरा जो BMI है ना वो मतलब बहुत ही ये जोन पे चला गया, काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली BMI अपना आ गया है, तो उसके रिगार्डिंग तो क्या अपना टेस्ट वेस्ट तो सब कल खत्म हो गया, उसके बाद एंड में ना डॉक्टर का काउंसलिंग होता है एक्चुअली अपन का, कि जो जो अपना टेस्ट करवाए हैं उसका कुछ रिपोर्ट जो कल मिल जाते हैं उसके हिसाब से डॉक्टर काउंसलिंग करते हैं, आपका हेल्थ कैसा है, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपका फूड वगैरह कैसा है, आप कैसा फील कर रहे हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे फील करवाया कि उन्होंने बताया कि आपका जो वेट है ना काफ़ी ज़्यादा है,
इसको काफ़ी ज़्यादा भी नहीं चले जस्टिफाइड नहीं होगा, ये बहुत ही ज़्यादा आपका वेट एक्चुअली है, तो आपको इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए। उन्होंने फिर मुझे फील करवाया, मुझे रिलेट करवाया, और उन्होंने रिलेट कैसे करवाया बता रहा हूँ मैं कैसे एक्सेप्ट किया कि हाँ यार बॉडी का वेट काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने पूछा मेरे कि मुझे कि आपके मेरे जेनेटिक के बारे में पूछा, पेरेंट्स के बारे में पूछा, और उन्होंने मुझे क्लियरली बोला कि अगर आपके पेरेंट्स के पास अभी उनका एज कितना है उसके हिसाब से अगर उनके बॉडी में किसी तरह की अगर कुछ परेशानी है तो आप मान के चलिए कि उसका जो 60-70% जो है आप अगर इतना वेट मेंटेन करेंगे तो आपके पास भी वो कैरियर होकर डेफिनेटली आने वाला है। तो ये जेनेटिक रहता है, मान लीजिए अगर किसी के पेरेंट्स को अगर शुगर है तो उसके बच्चों को, लड़का या लड़की किसी को भी मतलब शुगर हो सकता है अगर वो अपना बॉडी का जो है कंट्रोल में नहीं रखे तो, या फिर वेट वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या फिर वेट तो काफ़ी बढ़ने से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है। अगर पेरेंट्स को बीपी है तो बच्चों को बीपी हो सकता है, पेरेंट्स को शुगर है तो बच्चों को शुगर हो सकता है। तो ये सब सुन के थोड़ा सा मैं बहुत शौक था कि यार मुझे अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ 60 साल प्लस मुझे स्पेंड करना है इनके साथ, जल्दी कुछ नहीं होना है। तो ये मैं हमेशा सोचता रहा कि यार बच्चे मेरे हैं, वाइफ है, मैं बच्चों के साथ जैसे 60-70 साल जीऊँगा उस तरह का मैं ट्राई करता हूँ। इस तरह का मतलब जो भी बॉडी को हार्मफुल टाइप का है, इंटर्न पर जो नॉन ऑफिशियल चीज़ है, वो सब मैं बहुत ही यूज तो करता नहीं बेसिकली, बट मुझे अपना जो देखता हूँ अभी क्या डॉक्टर ने बोल दिया, तब से मैं थोड़ा सा कल से वरीड हूँ कि यार कुछ करना चाहिए वेट लॉस के बारे में। तो फाइनली ये वाला जो इंसिडेंट है यहीं से मुझे पता चला कि यार मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा है और मुझे इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए। और मैं आपको बताऊँ तो इसको मैं नेगलेक्ट कैसे कर रहा था, तो अभी काफ़ी दिन से ना मेरा जो भी पैंट वगैरह है काफ़ी मुझे थोड़ा सा टाइट लाइट लग रहे थे, बट इसको मैं नेगलेक्ट कर रहा था, उसको कोई सोचता नहीं था उसके बारे में, हाँ यार पैंट तो टाइट है, ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं है। फिर और लोग बोलते थे यार आप काफ़ी मोटे होते जा रहे हो, आपका पेट बढ़ रहा है, ऐसा है वैसा, तो मैं उनको डिफेंड करता था कि यार मैं खाते पीते घर का हूँ यार, तो मोटा तो दिखना ही दिख रहा है, ऐसे करके मैं डिफेंड करता था उसको, मतलब इग्नोर कर देता था या फिर उसको मतलब उतना ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं था एक्चुअली। तो ये ऐसे करके मैं लोगों को डिफेंड करता, बट कल जो है ना मुझे पता चला कि यार, और ऐसे मैंने एक्सेप्ट किया कि भाई इसके बारे में कुछ करना चाहिए अपन को। और इसके लिए मैंने पहले क्या काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग, कल से वीडियो देख रहा हूँ यार कैसे क्या करूँ, कैसे वेट कम करना है। तो फाइनली क्या पहली चीज़ तो मुझे आइडेंटिफाई करना है कि मेरा जो वेट इंक्रीज हो रहा है, तो अभी तक तो अभी क्या बहुत कम उम्र है तो कोई इशू नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर इतना वेट अगर मेंटेन रहा, अरे यार हाथ दर्द कर रहा है पकड़ पकड़ के, इन फ्यूचर अगर उतना अगर वेट अपना रहा तो काफ़ी जल्दी परेशानी आ सकती है, इसलिए अपन को अच्छी जल्दी से ही कुछ काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो अपन ने क्या सोचा कि मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि मेरा जो ये वेट गेन हो रहा है इसमें मेरा लाइफस्टाइल का कुछ इसमें सुधारने का है, या फिर मेरा फूड्स मैं जो खाना वाना खाता हूँ जिस तरह के खाना मैं खाता हूँ उसमें कुछ सुधारने का जरूरत है, वो पहले मुझे वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए ऊपर मैं अपना काम स्टार्ट कर दिया हूँ कि मुझे अपना खाने में क्या क्या चेंजेस करने हैं, अपने लाइफस्टाइल में मुझे क्या क्या चेंजेस करने हैं, उसके बारे में काम कर रहा हूँ, उसको कुछ नोटशीट बना के मतलब कहीं पे ऑन पेपर लिखना पड़ेगा कि अपन आज से ये करना है ये नहीं करना है, कौन से फूड में क्या है, उसको किसको लेना है किसको लेना है। तो पहले तो मुझे अपने फूडिंग और लाइफस्टाइल के बारे में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद लोग बोलते हैं कि यार काफ़ी चलो, दिन में 5000 फीट चलो, 5 किलोमीटर चलो, 2-4 किलोमीटर चलो, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं यार जैसे कि वेट किसी का बहुत ज़्यादा है और वो अगर सुबह चलेगा 4 किलोमीटर शाम को चलेगा तो क्या वो ओवर वेट मतलब वेट कैरी करके चलेगा तो उसके जॉइंट्स में नी में काफ़ी सारी जल्दी परेशानी आ सकता है। तो आउटडोर में जाके वॉकिंग वगैरह करके ना वेट लॉस बहुत ही मतलब होगा, बट उसमें और भी कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो कुछ लोग तो ये सजेशन दिए कि यार चलना मिलना ऐसा कुछ नहीं, आप अपना डाइट पे कंट्रोल करो, उसके बाद अपना जो एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज कौन सा करें, जिम जाना नहीं है अपन के पास, क्योंकि जिम डॉक्टर मतलब सजेस्ट करते हैं कि आप 30 इयर्स के बाद जिम एक्चुअली जाके वहाँ पे वर्कआउट बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उसमें क्या कि हम लोग का जैसे थोड़ा थोड़ा एज जैसे होता रहता है ना, तो जिम जो है ना मतलब 15 से लेके 30 के अंदर करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है ऐसा डॉक्टर बोलते हैं, बट स्टार लोग तो करते रहते हैं हमेशा, तो जिम तो करना नहीं है अपन को। उसके बाद अगर बात कर रहे हैं और टाइम भी नहीं होता जिम करने के लिए अपने पास, उसके बाद अगर आप वॉकिंग के बारे में सोचें तो अभी वेट ओवरवेट है तो इसके अभी वॉकिंग करेंगे तो नी वगैरह में प्रॉब्लम आ सकता है, नी जॉइंट में कहीं बॉडी पेन आ सकता है, तो वो वॉकिंग भी करना नहीं है। तो उसके बाद बचा क्या है, अपन को डाइट स्ट्रिक्टली कंट्रोल जो करना है ना, डाइट पे कंट्रोल करना है, खाना पीना पे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, कुछ हाई प्रोटीन वाला जो है खाना को अवॉइड करना पड़ेगा, देखते हैं और डाइट प्लान थोड़ा सा करेंगे उसको। उसके बाद अपन को ना एक्सरसाइज करना है, क्योंकि कैलोरी बर्न नहीं करने से आपका
खाली डाइट प्लान से आपका वेट कम नहीं होने वाला, तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज करना पड़ा जिससे कि कैलोरी बर्न हो घर रह रहे घर बैठे बैठे, तो घर बैठे बैठे नहीं है, मतलब घर में भी मेहनत करना पड़ेगा। तो मैंने फिर काफ़ी R&D किया, तो पता चला कि यार मसल स्ट्रेचिंग जो है ना उसमें काफ़ी आपका जो हीट मतलब सॉरी हीट क्या बोल रहा हूँ यार मैं, आपका मसल स्ट्रेचिंग से ना आपका काफ़ी जो है कैलोरी बर्न होता है और अच्छा है, मतलब कैलोरी बर्न हो जाता है अगर आप डेडिकेटेडली उसको बैठ के करो। तो लड़का आके थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, यहाँ पे बैठे कुछ देख रहा है मोबाइल में। तो मैंने प्लान किया कि यार अभी से थोड़ा सा बॉडी मसल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करेंगे अपन और डाइट पे पूरा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे और एक वेट वैसे फटाफट ले लेना है और हर महीने उसको ट्रैक पे मतलब देखना है कि क्या इस महीने क्या हुआ, कुछ अप ट्रेंड गया कि डाउन ट्रेंड गया, क्या काम में आ रहा है। और आजकल तो काफ़ी सारे ऐप वगैरह भी हैं आपका ऑनलाइन सर्विसेज है हेल्थी फैमिली वगैरह, देखते हैं कहाँ से कुछ जुगाड़ हो पाएगा तो उसको वहाँ पर फॉलो करेंगे। लेकिन अपन को बच्चों के साथ लंबा टाइम तो रहना है भाई, 55 साल 60 साल जितना 70 साल जितना है रहना, तो उसके लिए अपन को अपने वेट पे भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बाद बहुत ही प्रॉब्लम आने वाला है। तो ये ना मैं अभी पिछले 2 दिन से बहुत दिमाग में घूस रहा था, इसलिए सोचा कि आज इसका एक ब्लॉग बना लेता हूँ। और आज से ही स्टार्ट हो गया, जैसे अपन मैं उड़ीसा वाला हूँ तो ना रात को अपन चावल नहीं खाएंगे तो नींद नहीं आता, लेकिन मैंने फिर भी वाइफ से वाइफ को बोल के ना आज गर्मा गर्म रोटी भी बनाया, अभी जैसे वाइफ ने रोटी बना के ऑटे पे रखा है, टाइम हो रहा करीब 9:30, तो अभी फटाफट उसमें से वेपर निकल लगा, वही रोटी खाना है गर्मा गर्म। उसके बाद मैंने 2-4 ट्रिक भी देखा कैसे कि जैसे मैं चावल खाता हूँ ना तो बहुत बड़े कटोरे में लेके खाता हूँ, तो अभी क्या करना है अपना जो भी अपन फूड खाएगा ना उसमें जो प्लेट वगैरह है ना उसका साइज कम कर देंगे, तो उसमें भी थोड़ा सा कुछ अच्छा मतलब बेनिफिट मिलता है। लोग बोलते हैं कि प्लेट कम रहेगा तो आपको उसके हिसाब से खाना भी कम खाना है और खाना थोड़ा सा धीरे धीरे खाते जाना तब कि आपका पेट जल्दी हो। तो देखते हैं कुछ ट्रिक ऐसे पता चले हैं जो कि मैं इम्प्लीमेंट करूँगा और आप लोगों को बताता हूँ कि क्या प्रोग्रेस रहा। तो अगला जो वीडियो अपना रहेगा ना वेट रिगार्डिंग 1 महीने के बाद रहेगा, आज 27 तारीख है, तो अगले 27 को अपन एक वीडियो बनाएगा कि क्या 1 महीने में क्या इंप्रूवमेंट आया, क्या किस पे काम करना चाहिए अपन। तो होपिंग गाइस आप लोगों को ये जो फर्जी वीडियो बकवास वीडियो अच्छा लगेगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा मैंने किस तरह किस लेवल का फर्जी बात किया आप लोगों के साथ। सो अपन मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय बाय।